दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड इन फ्रंट ऑफ यू. देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन जो है वो एक क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसको कॉट स्क्वायर थीटा आपको क्या करना है प्रूव करना है, यानी LHS आपको सॉल्व करना है और RHS के इक्वल लेकर आना है. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर दो ग्रुप बनाए, फर्स्ट ग्रुप ये रहा एंड द सेकेंड ग्रुप विल बी कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कॉट स्क्वायर थीटा. दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन था तो कॉमन ले लिया. देखिए जब आप कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पर टू होता मान लीजिए, चलिए यहाँ भी टू होता, तो आप क्या करते टू मतलब टू सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा सेम चीज है, इसलिए आपने क्या करा कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया तो वन हो गया, प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर कैंसिल, लेफ्ट रहा कॉट स्क्वायर थीटा. देखो इधर फॉर्मूला ये रहा आपका कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, कॉट स्क्वायर थीटा का ट्रांसपोज करोगे तो बचेगा क्या आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. इस फॉर्मूले का यूज किया, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किस इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, सो आई एम पुटिंग हियर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा. और पंडित बद्री प्रसाद से आपको पता है कॉस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. सो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और वन अपॉन साइन वन को आप कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. सो वी गेट LHS इज इक्वल टू RHS. लुक चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर फोर आई एम डूइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. सॉल्यूशन इज देखो sec क्वेश्चन आपके सामने है, sec थीटा की वैल्यू वन बाय cos थीटा. देखो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले sin cos tan cot sec cos sec ये वैल्यूज रखिए, sin थीटा के नीचे cos sec तो वन बाय cos sec, cos sec हो जाएगा वन बाय sin, cos cos के डाउन में sec थीटा है तो वन बाय sec थीटा, sec के अप साइड में कौन है cos तो वन बाय cos tan की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, साइन बाय cos पुट करनी है और cot की वैल्यू cos बाय sin पुट करनी है. देखो sec थीटा की वैल्यू है वन बाय cos वन माइनस sin थीटा की वैल्यू एज इट इज. देखो बेटा इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि sin और cos की वैल्यूज कुछ नहीं रखनी है, एज इट इज पुट करना है sin को भी और cos को भी. ठीक है, यहाँ sec की वैल्यू फिर वन बाय cos और tan की मैंने आपको बताई है साइन बाय कॉस. देखो यहाँ पर ये चीज़ तो मैंने एज इट इज पुट की है और हियर इज आई एम टेकिंग LCM, बोथ में डिनोमिनेटर cos थीटा है तो cos थीटा रखा, cos से cos कैंसिल वन, यहाँ भी cos से cos कैंसिल तो साइन थीटा, इस cos को इस cos से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा, और अब लेफ्ट में क्या रहा वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा. यहाँ पर देखो a माइनस बी एंड a प्लस बी आइडेंटिटी यूज़ कर दी, इस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रखा मैंने, ए आपके पास वन था तो वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. फिर आप रिलेशन वाले फार्मूले में जाएंगे, रिलेशन वाले फार्मूले में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था कॉस स्क्वायर थीटा के, ये कॉस स्क्वायर अपॉन में डाउन में आपके पास क्या था ये है ना कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आई अपने पास वन और आपको प्रूव भी वन करना था. सो वी गेट LHS इज इक्वल टू RHS. दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स इन फ्रंट ऑफ यू. द क्वेश्चन इज वन माइनस साइन थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस थीटा, इट इज क्लोज इन रूट एंड वी हैव टू प्रूव sec थीटा माइनस tan थीटा. देखो इसमें आपको क्या करना है रेशनलाइज, रेशनलाइज याद है आपको क्या किया था हमने, इसमें जो आपको फ्रैक्शन गिवन होता है उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसके अपोजिट साइन से हमको मल्टीप्लाई करना होता है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर बोथ को. देखो वही किया है वन माइनस साइन थीटा अपन वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा डिनोमिनेटर है यहाँ पर आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें, उसके अपोजिट साइन से वन माइनस साइन थीटा से मैंने बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया ऐसा में. देखो वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, दो माइनस के कंसेप्ट है तो मैंने इसको होल में वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा है तो आइडेंटिटी क्या लगता है ए प्लस बी आपके पास और ए माइनस बी, आइडेंटिटी का एक्सपेंशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वन का स्क्वायर नहीं भी आप पुट करें तो कोई इश्यू नहीं है, सो आई एम नॉट पुटिंग हियर स्क्वायर ऑन वन, सो आई एम गेटिंग वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा. वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज चला और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई रिलेशन वाले फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गई. ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर और रूट को हमने कैंसिल कर दिया और इसका स्क्वायर और रूट भी हटा तो रूट से ये दोनों कंसेप्ट जो है ओपन हो गए तो वन माइनस साइन थीटा अपन में कॉस थीटा कॉमन डिनोमिनेटर है तो कॉमन डिनोमिनेटर को मैंने वन के साथ भी पुट किया और साइन थीटा के साथ भी पुट किया तो देखो वन बाय कॉस इक्वल टू सेक थीटा एंड साइन बाय कॉस आया हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट साइन बाय कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा
और यही हमको एंड ऑफ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 डू इन योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। देखो टेन अल्फा, अल्फा बोलते हैं बेटा इसको, है ना, ये साइन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन में कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, वैल्यूज पुट की और आपको फाइंड क्या करना है, टेन अल्फा डॉट टेन बीटा वैल्यू पुट की है। सिंपली टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन बाय कॉस, आपको लर्न करा चुकी हूँ टेन की वैल्यू साइन बाय कॉस। तो टेन की वैल्यू रखी मैंने साइन बाय कॉस और दोनों में अल्फा का साइन लगाया, ठीक है। फिर टेन बीटा, टेन बीटा की वैल्यू वही साइन बाय कॉस और बीटा के साइन पुट किए, डाउन में था इसको डिवाइड फॉर्म में रख दिया मैंने। डिवाइड में कॉट की वैल्यू होती है कॉस बाय साइन, दोनों के साथ अल्फा लगाया और कॉट बीटा में भी कॉस बाय साइन, बोथ के साथ मैंने बीटा यूज़ किया। फिर एलसीएम आएगा क्योंकि प्लस और माइनस के कंसेप्ट में वी ऑलवेज यूज एलसीएम। कॉस अल्फा एंड कॉट बीटा का मैंने एलसीएम लिया। यहाँ पर देखो कॉस, यहाँ देखो कैसे सॉल्व किया इसको, देखो है ना, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हुआ, आपके पास कॉस बीटा बचा, ये मैंने रखा कॉस बीटा और ऊपर वाला एसिड, ठीक है। यहाँ भी कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, कॉस अल्फा लेफ्ट रहा वो एज इट इज पुट किया, ऊपर वाला भी एज इट इज पुट किया, एलसीएम लेना। सेम एज यहाँ किया साइन अल्फा साइन बीटा, आपके पास एलसीएम फॉर्म में आया, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल तो आपके पास साइन बीटा बचा, देखो यहाँ वाला साइन बीटा और कॉस अल्फा बचा, ये रखा साइन बीटा और कॉस अल्फा, और यहाँ भी साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल तो साइन अल्फा और कॉस बीटा बचा, ये रखा साइन अल्फा और कॉस बीटा, ठीक है। इसके बाद इस कंसेप्ट को तो मैंने एज इट इज पुट किया और पैक वाला जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल किया, डिवाइड कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड वी रेसिप्रोकल द बैक साइड फ्रैक्शन। तो ये नीचे वाला पार्ट जो था अब चला गया, अप वाला पार्ट डाउन आ गया। देखो अब यहाँ सेम है, ये रहा साइन अल्फा कॉस बीटा, ये रहा साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ देखो साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, है ना, और दोनों के बीच में प्लस का साइन था तो यहाँ भी प्लस है, तो इस कंसेप्ट को मैंने इससे कैंसिल किया, दिख रहा है मैंने हल्के से किया है ना बेटा, ये किया है ना। अब आपके पास लेफ्ट क्या रहा, साइन अल्फा साइन बीटा और यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा, देखो साइन कॉस टेन होता है दोनों में अल्फा है, साइन कॉस बीटा है दोनों में इसलिए टेन बीटा। सो वी प्रूव्ड दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th फॉर यू। क्वेश्चन इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, आपको लाना है 2 sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू 1 बाय कॉस होती है, याद है ना आपको sec की वैल्यू क्या होती है 1 बाय कॉस थीटा, और यहाँ इंटू 2 करोगे तो 2 बाय sec थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो आप, ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ सॉरी एलसीएम लिया इसका मैंने कॉस थीटा, और क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा बिकॉज वी हैव प्लस, देखो अभी ये कॉस थीटा रखा और 1 प्लस साइन थीटा को ब्रैकेट में रखा, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉस से कॉस कैंसिल, अपने पास बचा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा को आप 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास फाइनली क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, वाई आई एम पुटिंग होल स्क्वायर बिकॉज बोथ हैव बोथ ब्रैकेट्स हैव सेम साइन, ठीक है। प्लस यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा को आप कैंसिल करते हैं तो आपके पास कॉस लेफ्ट रहता है, कॉस को आप कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को मैंने यूज किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर ए है आपके पास 1 प्लस 2, फिर ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू आपके पास साइन थीटा है, प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी की वैल्यू साइन थीटा है उसका स्क्वायर लगाना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज पुट किया, ये स्क्वायर है बेटा ना कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या आया अपने पास, 1 प्लस 2 अंजा 2 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट रिलेशन वाले फार्मूला, फर्स्ट जो रिलेशन वाला फार्मूला उसके अकॉर्डिंग 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो मैंने 1 पुट किया, 1 को 1 से ऐड किया तो देखो क्या आया अपने पास 2 आया, फिर 2 प्लस 2 साइन थीटा, ये दो ग्रुप्स बन गए, यहाँ पे मैंने 2 को कॉमन लिया, 2 का डिवाइड आप 2 में देंगे तो 2 अंजा 2 प्लस यहाँ 2 से 2 को मैंने कैंसिल किया तो साइन थीटा आया, और नीचे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी था, यहाँ पर एक ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ भी एक ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, इसको कैंसिल किया 2 बाय कॉस थीटा, भी मैंने आपको बताया था सेक थीटा की वैल्यू 1 बाय कॉस होती है ना बेटा, तो 2 बाय कॉस इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 और आप देख लीजिए, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चन इज साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इस 4 के मैंने टुकड़े के इसको ब्रेक किया 2 में, 2 टू 4 तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर तो हो गया 2 टू 4,
कॉस स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दिया तो 2 2 4 कॉस 4 थीटा हो गया नीचे एज इट इज पुट किया मैंने। अब देखो ऊपर आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी क्या लगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका एक्सपेंशन बताइए ए प्लस बी और ए माइनस बी यही होता है। तो देखो यहाँ पर किया ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी और नीचे डाउन में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा था ही माइनस से माइनस के कंसेप्ट को मैंने कैंसिल किया वी हैव टू लेफ्ट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और वही हमको प्रूफ करना था। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन।